पेट आगे नहीं ठीक है आपका। ठीक है, शादी के बाद ऐसे ही बंदा होता है, कभी सर खराब, कभी पेट खराब, कभी टांगे खराब, ऐसे गुजारा ही करना होता है बंदे ने। हाँ जी बताएं, हम क्या करना है? अब बिक गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज मेरा मूड बहुत अच्छा है और आज मैं बहुत मजे की वीडियो के साथ आपके साथ आपके खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो इधर आए ना आप, बात सुने मेरी। मैंने क्या किया? इधर आए, बात सुने, इधर बैठे मेरे पास। मैंने क्या किया? मैं इनको खा रहा हूँ। बात ना करें मुझसे आप। क्यों? वीडियो बना रही थी, मेरा मूड इतना अच्छा था। अब क्या हुआ? अचानक से आए आप, मेरा मूड ऑफ हो गया सुबह वाली बात से। सुबह क्या होता? आपको नहीं है याद क्या हुआ था? इनको वो मैं खा लेती हूँ। क्या मतलब, क्या हो गया? सुबह क्या किया आपने? क्या किया? मैं तो वहाँ से मार्केट ठीक हूँ, पेट का मसला था, ऊपर से मुझे नींबू खिला रही हैं। जी जी ठीक है, मैंने आपको दिए नींबू, पड़ी थी, मैंने कहा मजे किया खा लो। सही है, फिर अपनी बीमारी के जिम्मेदार आप खुद है। अच्छा उस बात को साइड पर रखे ना, तो वो बताएं मुझे, सुबह आप बड़े सौदे करके आए हैं, बड़ी डील्स करके आए हैं आप। क्या किया डील बताऊं मैं आपको? आपको कुछ नहीं पता? क्या मतलब? दो तीन दिन पहले मुझसे बात की थी। किस बारे में? याद है आपको? किस बारे में? अपने प्लॉट के बारे में। निम्को खाए जो की आज बेच है। निम्को खाए? ये निम्को है, दाल है, मेरा पेट आगे प्रॉब्लम में है। तो आप ना खाए, मेरी मजबूरी है, मजे की बहुत है। ठीक है, अच्छा पकड़े मैं बस बस। क्यों? अच्छा क्यों बताए? तो तीन दिन पहले आपने मुझसे क्या बोला था प्लॉट के बारे में? क्या बोला था? कि बड़ा प्यारा प्लॉट है, मैं बना लूंगा। इन्होंने मुझसे बोला कि ये प्लॉट बहुत अच्छा है, ये हम बनाएंगे और हम अपना प्यारा से यहाँ पे घर बना लेंगे और यहाँ पे हम शिफ्ट कर जाएंगे। तो जनाब आज सुबह सौदा कर रहे हैं इस प्लॉट का। बात ना करें मुझसे आप। तो बड़ा प्लॉट लेके बना लेंगे, जरूरी है उस पे बनाना है। लोकेशन कितनी प्यारी थी, मैं जी बहुत खुश के मतलब हमारा बनेगा घर, तो बहुत ही मैं खुश उससे वाले से। तो इन्होंने कहा मैं बना, अगर मैं बना बनाया घर ले लूं तो फिर? तो इन्होंने कहा कि पहले मैं उस प्लॉट को बेच आता हूँ। नहीं, अगर मैं बना बनाया घर ले लूं तो फिर? ओ गई निम्को मेरी तले। हाँ निम्को नीचे गिर गई है। मुझे बहुत गुस्सा आया मैं आप पे। मेरा मुझसे एक बार पूछ तो लेना था आपने। मैंने तो कहा खुश होंगी, पैसे आ रहे, इतना अच्छे पैसों पे प्लॉट बिक गया, खुश नहीं हुई हूँ। लोकेशन मुझे बहुत प्यारी लगी थी, एक बार बंदा पूछ लेता है। लेकिन आपने पूछना गवारी नहीं समझा मुझसे। वैसे बेगम से कोई अगर पूछ के फैसला करे वो ठीक तो नहीं होता है? नहीं, आगे पहले जो आपने मुझसे पूछ के फैसले किए वो नहीं ठीक हुए क्या? नहीं जी जी ठीक है। अब आपने ऐसे ही बोलना है, झूठे से साबित हो गए आप। क्या मतलब? क्या मतलब? मेरा कोई कसूर नहीं है। देना निम्को, इसकी पड़ी हुई है आपको। निम्को तो खाने दें। पेट आगे नहीं ठीक आपका। ठीक है, शादी के बाद ऐसे ही बंदा होता है, कभी सर खराब, कभी पेट खराब, कभी टांगे खराब, ऐसे गुजारा ही करना होता है बंदे ने। हाँ जी बताएं हम क्या करना है? अब बिक गया, अब ये देखें जी प्लॉट सेल हो गया, अंगूठा मैंने लगा दिया। इन्होंने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया कि ये इन्होंने स्टैंप दिखाई है कि ये देख लें आप। ठीक है ना, पैसे नहीं ले गया। एक बार बंदा पूछ लेता, मुझे इतना पसंद था वो प्लॉट, मैं बहुत खुश थी कि यार इतना अच्छा प्लॉट है, हम ये बनाएंगे। वो 7 मरले का था। ठीक है, मैं अब 10 मरले का ले लूं तो फिर? वो नहीं ठीक। लोकेशन 3 मरले आपके लिए अलहदा, छोटा सा मैं घर बनाऊंगा, उसमें आपने अलहदा रहना है। क्यों? तो 7 मरले में कौन रहेगा फिर? 7 मरले में मैं रहूंगा और अम्मी अबू रहेंगे और देखेंगे अगर कोई और आना चाहे तो। क्या मतलब कोई और आना चाहे? कोई और फैंस वगैरह या कोई और मतलब ब्यूटी क्वीन आना चाहिए। अच्छा तो मुझे 3 मरले के प्लॉट में आप बिठाएंगे? और आपको कितनी की जगह चाहिए? 7 मरले के प्लॉट में कोई ब्यूटी क्वीन आना चाहे, बहुत अच्छी बात है जी। क्या मतलब?
इतने घर, बड़े घर में एक बीवी ज्यादा नहीं है, इतने पैसे लगाने चाहिए, सही इतने पैसे लगाने का क्या फायदा, दो तीन होनी चाहिए ना। तो मेरा एक दोस्त है, उसने तीन बैग में एक घर में रखी हुई है और वो इत्तेफाक से रही हुई है। मैं तो कभी भी ना लूं इधर से, एक निवाला एक डारी होती है, एक इस साइड से। मैं तो दाल भी खुद खा रहा हूँ, ये देख लो, ये देखो, वेरी फनी। क्या मतलब, मेरा दोस्त है, ये साथ रहता है, उसने तीन बैग में एक घर में रखी हुई है। कितनी अच्छे बंदे की मिसाल दे रहे हैं ना आप। तो ठीक है ना, मैं दो नहीं कर सकता, एक ही बात नहीं मान रहे आप, तो आपने दो तीन रखनी है। छोड़े इसको, बात सुने मेरी, नहीं मुझसे पूछना नहीं दोबारा किया आपने। बिक गया अच्छे रेट पे, बिक रहा था, मैंने कहा बेच दो। मैंने उधर ही एग्रीमेंट किया, साइन किया होगा, क्यों आप ट्रीट ले ले मेरे से। मुझे नहीं चाहिए कोई ट्रीट। अच्छा बात ना करें मुझसे आप, मुझे बहुत गुस्सा आया है, मुझे अम्मी की तरफ छोड़ा है, मुझे नहीं पता। तो अम्मी को मैं किधर छोड़ूं तुम्हारी, करे मैं इस बार टाइम फंड के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आया है आपके। मैंने इतना कोई गुनाह नहीं किया। अच्छा बिक रहा था, मैंने बेच दिया, कुछ मैं नहीं दोबारा किया। एक तो अच्छा प्लाट ले देता हूँ, पार्क के सामने एक मेरा, वो अच्छा बना बनाया, वो दे दूं, वो ले देता हूँ, उधर शिफ्ट। पता नहीं उधर की लोकेशन कैसी होगी, वो तो मैंने अपनी नजरों में देखा हुआ था, तो वो ले लेते हैं ना। वो कौन सा, उधर ही है पार्क के सामने, वो ले लेते हैं। आप गुस्सा क्यों कर रही हैं, प्लाट ही बेचा ना, क्या बेच दिया और। ये मैंने आपका फर्नीचर भी बेच देना, जब आपने सामान शिफ्ट करना है ना, आपका फर्नीचर भी मैंने सारा। क्यों बस मेरे साथ तो दुश्मनी है, आपके फर्नीचर के साथ क्यों है, हैं? बोले ना आप। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं, आप ही बोल रही हूँ। अब यही हाल है कि मैं वो 10 मरले वाला दे देता हूँ, अब ब्राय मेहरबानी मूड अच्छा कर ले, मैं क्या करूँ बताइए। मुझे देखना वो प्लाट 10 मरले वाला, सुबह मैं जा रहा हूँ ना देखने, वो देख लिया, वो बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अपने फैंस को कहें आपको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम वो घर अच्छी जल्दी तरह जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, सही है, मैं देखूंगी, मुझे पसंद आया था वो बनेगा। और लोगों को बता दे मैं फ्री नहीं होता, लोग समझते हैं मैं सारा दिन वेला होता हूँ, इनको बता दे मैं सारा दिन फ्री नहीं होता। जी तो ये बात है कि आपसे मैंने कहना था, और ये वीडियो भी इसलिए हमने बनाई है कि क्योंकि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत एक अच्छे प्लॉट इन्वेस्टर हैं, प्लॉट लेके इन्वेस्ट करते हैं, फिर उनको प्रॉफिट पे सेल करते हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका काम चल रहा है। तो आज भी सेल कर रहे हैं प्लॉट, तो थोड़ी सी इनसे छोटी सी मिस्टेक हुई है, इन्होंने मुझसे पूछा नहीं है। तो आप लोग कमेंट्स में कहना, तो मतलब ऐसे ही लोग कह देते हैं, वाकई पता भी नहीं चलता, लोगों को नहीं पता ना, नहीं पता होता। अब घर बैठ के आजकल ऑनलाइन बिजनेस भी हो रहे हैं, और प्लॉट का काम भी कोरोना जैसा दौर है तो बहुत जबरदस्त है। तो माशाल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे प्लॉट इन्वेस्टर हैं। आपने बहुत कमेंट्स में क्वेश्चन किए थे कि ये कुछ नहीं करते, हर टाइम फ्री रहते हैं, आपके साथ गेम खेलते हैं, आपके साथ वीडियोस बनाते हैं। तो वीडियो बनाना मेरा पैशन है, और ये मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, इन्होंने मेरी इतनी ज्यादा सपोर्ट की है ना, हर लिहाज से सपोर्ट करते हैं। लोग भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, ये नहीं सिर्फ मैं ही करता हूँ। बिल्कुल सही बात है, और आज जो लोग देखते हैं लाइक करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं। जिस मकाम पे मैं हूँ, मुझे मेरे पेरेंट्स की बहुत दुआ है, और आपका बहुत सपोर्ट है मेरे साथ, तो मुझे नेक्स्ट भी आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आपने मुझे लाजमी बताना है। मिलती हूँ मैं आपसे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।